हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेथड्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो पार्ट नंबर 2 है। जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी वीडियोज एंड एमसीक्यूज, क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस एमसीक्यूज के प्रैक्टिस बहुत सारे दिए गए हैं। और जो थ्योरी वीडियोज है दोस्तों, टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी टॉपिक को यदि एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों में उपयोग की जाती है? तो खाली समय में खेलने के लिए उपयोग की जाती है नेट बॉल पॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी होता है। तो कूल डाउन को ठंडा होना ही बोलते हैं, वार्मिंग अप को गर्माना भी बोलते हैं। तो जब भी शारीरिक प्रशिक्षण कीजिए या कोई भी कार्य, जब थकान हो जाए उसके बाद हम कूल डाउन करते हैं। क्यों करते हैं? ये जो हम थक जाते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड के स्तर को क्या करता है, घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जिसे कहा जाता है रेस्ट एंड कैफर्ड विधि, अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल मेथड में ऐसा होता है जिसमें विश्राम अवधि दिया जाता है। जैसे कि हार्ट रेट आपका जब प्रशिक्षण किया जाता है ट्रेनिंग, तो हार्ट रेट 180 तक हो जाता है और इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, यानी कि रेस्ट बहुत, मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट रिकवरी किसमें दिया जाता है, तो आपका इंटरवल ट्रेनिंग में। जैसे कि आप प्रशिक्षण कर रहे थे 180 तक, जब आपका हार्ट रेट हो जाता है तुरंत उस समय आपका क्रियाकलाप रोक दिया जाता है। जो ही हार्ट रेट 120 से 140 के बीच आता है तो तुरंत फिर से शुरू कर दिया जाता है, फिर से 180 आने पर रोक दिया जाता है, फिर से 120 से 40 पर शुरू कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी होता है। और सबसे बेस्ट विधि होता है एरोबिक अनएरोबिक दोनों चीजों को विकसित करने का इंटरवल मेथड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है? तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल, यानी नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल, यानी कि एनसीटी, जो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है। नेक्स्ट है, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है मोटर गुणवत्ता सबसे बेस्ट होता है प्रतिभा खोज के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, VO2 मैक्स, वायु धारक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कि खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? तो खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी शिक्षक और प्रशिक्षक कोच से ग्रहण करता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि स्पोर्ट ट्रेनिंग के सभी पार्ट्स के बारे में, हेल्थ रिलेटेड, मोटर स्किल रिलेटेड, चाहे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सभी वीडियोज को स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज लगा के। नेक्स्ट है, किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तो विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी कि अंतराल प्रशिक्षण में, यह इंडोरेंस डेवलप करने का मेथड है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रकार शारीरिक क्षमता को मापने की विधि नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे कूपर का 12 मिनट, चाल दौड़, ये भी शारीरिक क्षमता को मापता है। बॉडी मास मापना ये भी मापता है। सीट एंड रीच चेस्ट ए भी फ्लेक्सिबिलिटी मापता है। तो यहाँ पे सारी क्षमता मापने के लिए ऊंचाई मापना, तो कोई सारी क्षमता मापने का मेथड है नहीं। ठीक है, ये तो ऊंचाई मापा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, मीजो साइकिल की अवधि है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो ट्रेनिंग साइकिल होता है तीन होती है, एक होता है मैक्रो चक्र यानी सबसे बड़ा चक्र जो 2 से 12 माह तक का होता है यानी 1 वर्ष का, और जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम
चक्र या अवस्थन चक्र जिसे कहते हैं, मीजो साइकिल जो 3 से 6 सप्ताह तक का होता है, एंड सबसे छोटा चक्र तीसरा होता है माइक्रो साइकिल माइक्रो चक्र जो 3 से 10 दिन यानी कि 1 सप्ताह तक का होता है। यहाँ पे मीजो साइकिल की पूछा है तो यहाँ पे 4 से 6 सप्ताह सही हो जाएगा और राइट है आपका 3 से 6 सप्ताह, बट यहाँ पे 4 से 6 सप्ताह दिया है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय संवहन दक्षता निर्धारित करने वाले परीक्षण का नाम है तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लुसिन ब्रोहा ने बनाया था। इसके बारे में आपको जानना है तो परीक्षण मापन यानी टेस्ट मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टेस्टों को आप स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे मुख्य उद्देश्य होता है अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है, किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी होता है? वार्मिंग अप जैसे यानी कि गर्माना यानी शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए वार्मिंग अप जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खेल में अधिकारियों यानी रेफरीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि खेलों के नियमों का सही से पालन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि दोस्तों लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है मांसपेशियों के क्या करता है, यह क्या करता है, यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है यानी कि हमारे शरीर में लचीलापन ला देता है। जैसे कि हम कोई भी खेल खेलते समय गिर जाएंगे या चोट लग गया तो उसमें टूटने की या स्ट्रेच होने की या मांसपेशी खींचने की आशंका नहीं रहती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फाटलेग विकसित होता है तो दोस्तों फाटलेग क्या है? यह इसको स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। यह बिना पूर्व नियोजित के किया जाता है, जैसे पहाड़ों पर भागकर रेतों में दौड़कर कीचड़ में यहाँ पे ट्रेनिंग किया जाता है, बेस्ट ट्रेनिंग माना जाता है इंड्योरेंस डेवलप करने की। तो दोस्तों इसको इंड्योरेंस डेवलप करता है, किस क्या विकसित करता है, इंड्योरेंस, यहाँ पे इंड्योरेंस यानी क्षमता आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है? एरोबिक शक्ति मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो जो लंबी समय की क्रियाएं होती हैं उसमें एरोबिक शक्ति की ज़्यादा वृद्धि होती है, तो यहाँ लंबी दौड़ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो किया जाता है उसको एरोबिक कहते हैं, एरोबिक व्यायाम। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के बिना किया जाता है वो होता है एनएरोबिक व्यायाम। तो इसको ध्यान में दीजिएगा, जैसे कि अनएरोबिक व्यायाम जो होता है जो ऑक्सीजन के बिना होता है तो यह छोटे समय की जो क्रियाएँ होती है जैसे कि 45 सेकेंड या 20 सेकेंड से लेकर के 2 मिनट तक की जो क्रियाएँ होती हैं वो आपका अनएरोबिक में आ जाता है यानी जो बिना ऑक्सीजन के किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंट दौड़े हो गया 100, 200, 400 मीटर दौड़। एंड दोस्तों एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, इसमें लंबी अवधि की क्रियाएं आती हैं जैसे कि 2 मिनट से लेकर जितना भी आगे क्रिया 2 मिनट से ज़्यादा की क्रियाएं होंगी वो एरोबिक में आएंगी। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा 2 मिनट से कम वाला तो पूछेगा कि कौन से प्रकार का एरोबिक है कि अनएरोबिक है, तो 2 मिनट से कम रहेगा तो एनएरोबिक में लगाइएगा, 2 मिनट से ज़्यादा के समय का रहेगा तो एरोबिक में लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है? तो यह दोस्तों लंबी दूरी की दौड़ के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। नेक्स्ट है, खेल कूद में एरोबिक एर्गोजेनिक सहायता करता है। तो दोस्तों खेल कूद में एर्गोजेनिक किस में सहायता करता है? यह शक्तियों और सहनशीलता में प्रभावित बढ़ाने में सहायता करता है और एकाग्रता बढ़ाने में। यह डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डोपिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के डोपिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने में एकाग्रता बढ़ाने में ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, दीवार को धक्का मारना एक उदाहरण है।
तो दोस्तों दीवार को धक्का मारना जो है यह आइसोमेट्रिक व्यायाम है, क्योंकि इसमें न मांसपेशी मसल्स कंट्रैक्ट हो रहा है तो न तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ रही है न घट रही है, और इसमें गति होता कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक होता है। जहाँ पे मांसपेशी घटती बढ़ती है और प्रत्यक्ष गति दिखाई देती है उसको आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है, इसमें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण पुनर्संश्लेषण के लिए औसत न्यूनतम अवधि कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 48 घंटे पुनर्संश्लेषण के लिए, यानी कि मसल्स को बिल्डअप होने के लिए। नेक्स्ट है, प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि हमारा हार्ट बीट होता है 72 प्रति मिनट, लेकिन जो प्रशिक्षित खिलाड़ी है जब हम प्रशिक्षण करने लगते हैं तो उस प्रशिक्षण के दौरान हमारा हार्ट बीट 180 प्रति मिनट हो जाता है, लेकिन जो प्रशिक्षित हो जाता है प्रशिक्षित होने के बाद जो नॉर्मल स्थिति में रहता है तो उसका जो हार्ट रेट रहता है वो 40-50 हो जाता है। तो प्रशिक्षित व्यायामी हृदय का सूक्ष्म परिणाम क्या होता है, घटता है, तो कभी आप बढ़ना मत लगाइएगा, घटता है, ठीक है, क्योंकि जितना ही आराम से सांस लेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा, उतना ही आपका हृदय गति आराम से धड़केगा, ठीक है, और एक पंप एक धड़कन में ज़्यादा रक्त की मात्रा पंप करेगा हमारा हृदय, ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति में हृदय का आकार भी बढ़ जाता है, जिसे एथलीट हार्ट बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पैर बल को इससे सुधारा जा सकता है, जो हमारे पैर की शक्ति है, बल है, स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो जंप वाला एक्सरसाइज करके, यानी कि यहाँ पे डेप्थ जंप होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा पैरों से ही जंप करते हैं, उससे हमारा पैर की शक्ति डेवलप होता है। नेक्स्ट है, मध्य अवधि प्रशिक्षण के लिए अच्छा है, मंद अवधि, प्रतियोगिता की अवधि, मध्यावधि, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे इंटरवल मेथड हमें लगता है कि पूछ रहा है। नेक्स्ट है, परिक्रमा प्रशिक्षण यह इसके विकास का प्रभावी प्रकार है, तो परिक्रमा यानी कि जो सर्किल में प्रशिक्षण किसमें होता है, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे दोस्तों परिधि सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहा है, तो सर्किट ट्रेनिंग क्या डेवलप करता है, स्पीड इंड्योरेंस, परिक्रमा प्रशिक्षण, तो यहाँ स्ट्रेंथ इंड्योरेंस वो डेवलप करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ पे बल तितिक्षा, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, बल तितिक्षा यानी कि स्ट्रेंथ, तितिक्षा का मतलब होता है इंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता, आपका ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है एजिलिटी यानी कि फुर्ती, क्या होता है एजिलिटी यानी कि फुर्ती, जो दिशा और दशा तुरंत बदले उसको एजिलिटी यानी फुर्ती कहते हैं। नेक्स्ट, वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा मापा जा सकता पाया जा सकता है, तो वायुजीवी यानी कि एरोबिक क्षमता की बात कर रहा है, तो एरोबिक क्षमता में ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया जाता है, लंबे समय की क्रियाओं में एरोबिक क्षमता डेवलप होता है, तो यहाँ पे किसने पाया जाएगा इस चारों ऑप्शन में, तो बड़ी दूरी की दौड़, जब भी दोस्तों आपको एरोबिक क्षमता देगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन चारों आपका एरोबिक होगा, तो लेकिन आपको लगाना होगा जो सबसे लंबी समय की होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यायामी 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी पार करता है, तो वह इस गति से भाग रहा है, तो किस गति से भाग रहा है, वह 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से भाग रहा है, गति को मापने का इकाई है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है, तो अंत के समीप क्या कौन सा बल, वजन काम करता है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन काम करता है, सभी प्रतिरोध काम करता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, LSD यानी कि लो स्लो डिस्टेंस प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकता है, तो वह होता है फार्टलेक प्रशिक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों कि डंबल्स, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग किसमें होता है, तो यह सभी होता है वजन प्रशिक्षण में, भार प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का समुच्चय नहीं है, तो गति का समुच्चय अत्यधिक गति
विस्फोटक शक्ति तो गति और बल का दोनों का समन्वय होता है। गति तितिक्षा यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड इंड्यूरेंस यानी कि गति सहनशीलता भी है। यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करना चाहिए। यदि आप बल प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको दो अभ्यासों के बीच में 48 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में टांगों के लिए कौन सा प्रक्रिया व्यायाम नहीं है। तो टांगों में अक्सर जंप होता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्क्वाट जंप है, स्ट्राइड जंप भी है, स्टेप अप्स भी है, लेकिन पुल अप्स जो है आपका हमारे बाहों की शक्ति एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पुल अप्स नहीं होगा टांगों की प्रक्रिया का व्यायाम, यह बाहों के लिए है। नेक्स्ट है, खेलों में संवेदना के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे उदात्तीकरण है। नेक्स्ट है, वायुजीवी व्यायाम किस इसके विकास में सहायक है। वायुजीवी व्यायाम यानी कि एरोबिक क्षमता की बात कर रहा है, जो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, तो वह क्या डेवलप करता है, वह हमेशा एंड्योरेंस डेवलप करेगा। तो यहाँ एंड्योरेंस यानी तितिक्षा का मतलब यहाँ पे एंड्योरेंस है। अब इंग्लिश वर्जन को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तितिक्षा का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, तो यहाँ और इंग्लिश वर्जन में एंड्योरेंस लिखा रहेगा, तो वहाँ उसको देख कर आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षक का अत्यधिक लंबा चक्र है। तो दोस्तों सबसे लंबा चक्र होता है बृहद चक्र यानी कि मैक्रो चक्र, जो 3 से 12 महीने का होता है। उसके बाद मीडियम चक्र आपका होता है मेजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह का होता है। सबसे छोटा चक्र होता है माइक्रोसाइकल माइक्रो चक्र, जो 3 से 10 दिन यानी कि 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है। तो उसका अर्थ है चक्का फेंकने वाला। नेक्स्ट दोस्तों, पहला कायांतर इस उम्र के अवधि में होता है। तो पहला कायांतर जो है 7 से 10 वर्ष की अवधि में होता है। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है। दोस्तों तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको देखना है, हर जगह का दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें जो सबसे लंबा समय का होगा वो सबसे ज्यादा कैलोरी जलाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हर बार यही ऑप्शन तो देगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अत्यधिक कैलोरी कौन जलाएगी, जो सबसे ज्यादा समय की क्रिया होगा, जिसमें ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौड़ना यानी कि 10 मील पर आवर आपको दौड़ना है, उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी की खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस थ्रो की क्रम को बेहतर तीव्र ढंग से यानी कि अनियमित ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। तो सही क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे आएगा पहला यानी कि प्रिलिमिनरी स्विंग पहले करेंगे, उसके बाद यानी कि ये पहला पर आ जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा रोटेशन यानी कि ये दूसरा पर आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा रिलीज स्टांस यानी कि ये तीसरा पर आ जाएगा, फिर आपका होगा रिलीज एक्शन यानी कि फेंक दिया जाएगा, तो ये चौथा पे हो जाएगा। यानी प्रिलिमिनरी स्विंग होगा, उसके बाद रोटेशन होगा, उसके बाद रिलीज स्टांस होगा, फिर उसके बाद रिलीज एक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे यानी कि आपका सही हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलोडिंग अतिभार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ओवरलोड, कभी भी ओवरलोड सही नहीं होता, यानी कि प्रशिक्षण भार आपके लिए सही है। आप जितना ही अपने आप को भार देंगे आपकी परफॉर्मेंस उतना ही डेवलप होगा ट्रेनिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, लेकिन ओवरलोड हमेशा ही नुकसानदेह होता है। तो ओवरलोड से क्या होगा, थकान होगा, क्या होगा, थकान होगा। नेक्स्ट है, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था अबेबे बिकिला ने। नेक्स्ट है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं। तो नकल के द्वारा सीखते हैं सबसे ज्यादा,
लेफ्ट है, निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो होता है दोस्तों वेट ट्रेनिंग। इसके अलावा जो खड़े होकर दीवार को पुश करना, ये आपका आइसोमेट्रिक में आता है। रोमिंग रिंग पकड़ना, राइफल पकड़ना, ये आइसोमेट्रिक में आता है। देखिए वेट ट्रेनिंग जो है आपका आइसोटोनिक में आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए, और डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। और दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।